हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। उधर टिकरी बॉर्डर पर कसार गांव के युवक को जलाए जाने का मामला जो है वो तूल पकड़ता जा रहा है। यहां समाज के लोगों ने एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान देवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की गई है कि परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा दी जाए। गौरतलब है कि बुधवार को कसार गांव के रहने वाले एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। तारीख को जो है कसार गांव का मुकेश कुमार किसान आंदोलन का जो है उड़े हुए हैं, इन्होंने इसको जला के मार दिया था। और ये नृशंस हत्या के विरोध में हम आज सब ब्राह्मण समाज जो था इकट्ठा होके और एसपी साहब से मिले हैं, और इसके बाद डीसी साहब को भी और सीएम साहब को इसका ज्ञापन दिया है। और इसमें हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके दोषी आदमियों को विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उनको तुरंत और इनको इनका जो पीड़ित परिवार है उसको भी सहायता दी जाए।